सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो गाइस हमारी वीडियो ना भाई सिंपल हेयर कट पे होने वाली है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि यार साहिल भैया, जब भी हम लोग सिंपल कटिंग करते हैं तो भाई बीच में कट क्यों पड़ते हैं। भाई देखो, जब तक आप कैंची और कंघी की प्रैक्टिस नहीं करते भाई, आपके कट पड़ते रहेंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, तभी आपके जितने भी डाउट होंगे भाई क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नहीं आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, जब भी आप हेयर कट करोगे ना, उससे पहले ना पानी मारना बहुत जरूरी है। डस्ट वगैरह होती है, आपका कंघा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंघा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। पानी से पहले हल्के बाल गीले करो, उसके बाद जाके बालों को झाड़ो, ठीक है, अच्छी तरह से। उसके बाद जाके आपने हेयर कट करना है। अगर आप पानी नहीं मारोगे ना, उसमें क्या होता है, आपका कंघा फंसेगा तो आपके कट पड़ेंगे, आपका कंघा ही नहीं चलेगा पहली बात तो, ठीक है। ये मेन चीज होती है दोनों साइड पे, और इस वाली साइड पे भी झाड़ना। अब हम करेंगे हेयर कट, ठीक है। तो हम लोग पीछे से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक लेवल में जाएंगे। अगर गाइस हम लोग एक लेवल में नहीं जाते ना, हमारे बड़े छोटे बाल कट जाते हैं भाई। हमको क्या करने पड़ेगा, देखो जिन जिन भाइयों को प्रॉब्लम ये आती है कि साहिल भैया हमारे बाल बीच में बड़े होते हैं और बीच में छोटे हो जाते हैं, भाई इसको एक लेवल में हम लोग कैसे करें। देखो भाई, मैंने पिछली बारी वीडियो में भी बता रखा है, ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखते नहीं हो। देखो, बगाने का वीडियो को कोई फायदा नहीं है, अच्छी तरह से देखोगे भाई आपका फायदा है, पर सिर्फ मैंने आपको अच्छी तरह से बताना है, ठीक है। आज के टाइम में भाई कोई नहीं बताता, ठीक है। आपने क्या करना, देखो ध्यान से देखो यार, ये वाली कोमा मेरे पास, जिसको हम बोल देते कंघा, ठीक है। कंघा आप कोई भी लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर लेकिन हमको देखो एक इसकी जरूरत होती है, एक हमारे को होती है कैंची की, ठीक है। कैंची भी आपके पास कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने एक लेवल में कैसे काटना है, देखो जो भाई कहते हैं ना कि बड़े छोटे रह जाते हैं, बड़े छोटे क्यों रहते हो, आधे बाल इस वाले काट लिए, आधे बाल इस वाले काट लिए, आधे बाल इस वाले काट लिए, यानी कि एक बरोबर में आप लोग काटते नहीं बाल, ठीक है। देखो भाई, इस वाली वीडियो का ना शुरू से लेकर अंत तक देख रहे ना भाई, आप 100% कह रहा हूँ आपके दिमाग में पड़ जाएगी, अच्छी तरह से आप हेयर कट कर पाओगे, ठीक है। मान लो मैंने हल्का सा डाउन करवाएंगे भाई को, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर काटा है, ठीक है, मैंने काट दिया, उसके बाद मैं स्पोर्ट लगाऊंगा भाई। देखो मैं आराम से बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, टाइम निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद मैं फिर स्पोर्ट लगाऊंगा, यानी कि ये वाला कंघा है ना, इस वाली साइड पे दिखा दे, थोड़ा सा पता लग जाएगा, ठीक है। ये वाला कंघा है ना, जो देखो ये वाला चीज, ठीक है। हम लोगों ने एक लेवल में जाना, मान लो मैं इतने पे रखा हूँ, ठीक है, इतने पे, ठीक है। उसके हिसाब से मैं यहाँ पर फिर क्या करूंगा, ये वाली चीज दिखा दी इधर आके, मैं यहाँ पर फिर कट करूंगा, उसके बाद फिर ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं फिर कट करूंगा, ऐसे ना मैं काटता काटता ऊपर ऊपर को जाऊंगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना, यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ देना। उसके बाद हम लोग झाड़ के देखेंगे भाई मेरा दिखा दो कट पड़ा है, बिल्कुल भी आपका कट नहीं पड़ेगा अगर आप सही ढंग से हेयर कट करते हो, ठीक है। अब आगे इस वाले साइड पे देखो, ये वाली तो मैंने लाइन काट लिया, ठीक है, अब काटने वाली है इसको। अब हमने इसको काटना है, इसको कैसे काटना है, देखो आधे बाल हम लोग गाइस इस वाले लेंगे, आधे जी वाले लेंगे, कंघे में आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई हम आप लोगों ने इधर से कि एक लेवल में रखा तो उसके बाद दूसरी साइड पे आपने ऐसे दबा दिया कंघे को, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। देखो टेपर में रखा जाता है कंघे को, टेपर में ऐसे हम लोग ऊपर ऊपर को जाएंगे, यानी कि एक लेवल में आधे बाल इस वाले आने चाहिए आपके, तभी आपको पता लगेगा कि भाई एक लेवल में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो मान लो हम लोग ने इतने इतने काटने, ठीक है, उसके बाद जीवल जो चीज आ गई साफ पता लग जाएगा, बड़े बड़े कौन से हैं, कौन से छोटे हैं, हम लोगों ने कौन से काटे पता नहीं सबको। देखो जीवल काटे हैं, ठीक है, इसके बरोबर ही हम लोग ऐसे चलेंगे, यानी कि जीवल चीज दिखा दे ऊपर से, हल्का सा जीवल चीज दिखा दे, पता लग जाएगा। देखो जीवल, देखो गाइस मैंने साथ में नहीं लगाया कंघी को, अगर मैं गाइस साथ में लगाता हूँ तो भाई जेवल तो मेरे लेवल तो खराब ही हो गया ना, समझ लो जेवल छोटी हो जाएगी ज्यादा, जेवल बड़े हैं तो भाई बेकार हो जाएगा हमारा हेयर कट, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इतना लेवल रखना, इतना गैप नीचे देना, देखो ठीक है, इतना गैप देना आपने, उसके हिसाब से आपने ऊपर 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 को जाना है। देखो यार जेवल जो चीज है ना गाइस, देखो मान लो जेवल चीज है मेरे पास, ठीक है, हम लोगों ने मान लो मैं 10 की स्पीड पे जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे 10 की स्पीड पे जाना पड़ेगा, लेकिन टेपर में रखना ऐसे करके हल्का सा। अगर हम लोग टेपर में नहीं रखते ना तो उसमें क्या होता है, हमारा कट खराब हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना कैसे नहीं करना। देखो ये वाली चीज होगी, देखो उसके बरोबर ही हम लोग काटेंगे, देखो इसके बरोबर हम लोगों ने काटना होगा, तभी गाइस आपका एक लेवल में हेयर कट होगा, नहीं तो आपके ऐसे ही कट पड़ते रहेंगे अगर आप गलती। इस वाले मैंने काट लिया, अब आगे हम लोग इस साइड पे, ठीक है, इस साइड में हम लोग कैसे काटेंगे, हल्का नीचे बंद करवाएंगे, ठीक है। यहां से हम लोग देखो, फिर यार मैंने ये वाली चीज यहाँ पे स्टार्ट क्यों किया, यार देखो जेवल चीज होती है ना, हम लोग ऐसे इसके हिसाब से लेवल में चलते हैं,
अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको लेवल का पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक लेवल में जाओ तो भाई आपका हेयर कट अच्छा होगा। देखो वीडियो थोड़ी सी गाइस लंबी हो सकती है, भाई वीडियो को छोड़ के मत जाना। वीडियो अच्छी लगी यार प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। चैनल पर नहीं आता तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी फुल ट्यूटोरियल। ठीक है, देखो ठीक है, ऐसे गाइस आपके ना एक लेवल में काटे जाएंगे। देखो आप आगे गाइस इस वाली साइड पे जेबल जो साइड है ना वहां पर इसको ऐसे उठाते हैं हम लोग। देखो कान को हम लोग ने ऐसे पकड़ा होता, इसको हम लोग ने ऐसे कवर में करना होता, यानी कि इसकी एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, अब देखो जेबल जो चीज होगी ना गाइस हम लोग ने ऐसे उठानी है, ऐसे उठा के जेबल जो हाथ है मेरा देखो इसको भी हम लोग ने टेपर में रखना गाइस। ठीक है, जेबल सीजर आपकी यहां पर नहीं जानी चाहिए, यहां पर जाएगी तो कान कट जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से चलना मनोग, देख लो जेबल चीज। ठीक है, उसके बाद ऊपर करेंगे। देखो मैं एक लेवल में जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर इस साइड में आऊंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा ऐसे में। ठीक है, हल्का यहां पर हम लोग छोड़ देंगे जेबल जो चीज है ना। देखो देखो जो गाइस फालतू बाल होंगे ना आपके खुद ही पंखे के बीच में आ जाएंगे, उसको हम लोग कट कर देना है। देखो अब आगे इस वाली साइड पे। ठीक है, इस वाली साइड पे हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले बालों को ऐसे झाड़ लेना, इसको जेबल चीज होगी, ऊपर ऊपर को लेके जाना है, इसको भी आपने ऐसे मैच करना। देखो ज्यादा यार कुछ भी नहीं है, वीडियो को देखो आप अच्छी तरह से देखते नहीं हो भाई। ठीक है, तभी आपके दिमाग में नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ पर बाल कितने हमारे खुद ही मेरे उस पंखे के बीच में आ जाएगा, मैं ऐसे कट कर दूंगा। देखो कितना आसान तरीका है। ठीक है, अब आगे इस वाली साइड पे देखो ये चीज होती मेन, यहाँ से हम लोग ने ऐसे बाल निकालना है। एक बार और आपको बता दूं, जेबल चीज चीज होती ना यहाँ पर हम लोग ऐसे बाल निकालेंगे। ठीक है, हल्का हाथ से दो बार कैंची हमने चलानी है, देखो ऐसे करके, ताकि हमारा कान ना कटा जाए। ठीक है, अब आगे इस वाली साइड पे देखो ऐसे में आगे बढ़ूंगा, जहां पर भी आप रुकोगे भाई यहां पर हमारा कट पड़ता है। देखो ठीक है, देखो जो फालतू बाल होंगे हमारे बीच में आएंगे भाई, इसको मैं कट कर दूंगा। ठीक है, जेबल जो चीज होती है ना हल्का हल्का हम लोग ऐसे राउंड देते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा ऊपर भी नहीं करना आपने, अगर ऊपर करोगे तो भाई खराब हो जाता है हमारा हेयर कट। ठीक है, जेबल जो चीज होती है ना इसके हिसाब से सीधा लेके जाना आपने, अगर सीधा नहीं लेके जाओगे तो भाई ऊपर नीचे हो जाएगा आपकी कुलाई। ठीक है, अब देखो जेबल चीज होगी आपने ऐसे कट कर देनी है। कंघा देखो मेरा कैसे चल रहा है, जब तक आप ना कंघे की प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आपको कंघा चलाना नहीं आता तो भाई आपके कट पड़ते रहेंगे। ठीक है, हार नहीं माननी, हार के आगे जीत होती है। ठीक है, जेबल चीज होगी आप इसको ऐसे गुलाई घुमाएंगे, यानी कि ज्यादा ऊपर ही लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं करना होता। अब हल्का पीछे राउंड देंगे, राउंड कैसे देना, बाल को पहले सीधा करो, सीधा करके जेबल चीज होगी ना हल्का ऐसे कट दे दो। ठीक है, अब आगे इस वाली साइड पे देखो सेम चीज होती है जैसे हम लोग ने उस साइड में किया गाइस, इस साइड में भी हम लोग को ऐसे ही करना पड़ता है। बालों को ऐसे हम लोग झाड़ेंगे, पहले झाड़ के एक लेवल में लेके आएंगे, यहां पर हम लोग कंघा लगाएंगे, यहां से हम लोग ने स्टार्ट करना है। जहां पर आपके ना बाल छोटे होंगे ना तो भाई यहां से आपको पता लग जाएगा, जो बड़े होंगे आपके खुद ही बाल बीच में आ जाएंगे। ठीक है, कंघे के उसको हम लोग ने ऐसे बरोबर करके इसको काट देना है। देखो बालों को मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर कभी भी आप बाल मिक्स करोगे तो भाई हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से हम लोग मिक्स करना चाहते हैं। मान लो मैं यहां पर काटा, ठीक है, ऊपर ऊपर को जाएंगे, मान लो जब भी हम लोग हेयर कट करते हैं ना यहाँ पर लाइन पड़ती है ना, वो इसलिए पड़ती है जब हम लोग ना एक तरफ से ही काटते रहते हैं, एक जगह ही काटते रहते हैं, ऐसे करके हमारी लाइन पड़ी है। देखो पड़ गई ना हल्की सी, भाई इसको मैं कैसे सेट करूंगा, पहले मैं ऐसे करूंगा, देखो ऊपर ऊपर को, ऊपर को लेके जाऊंगा, कंघे को टेपर में रखूंगा ऐसे करके। ठीक है, उससे हमारा हेयर कट मैच हो जाता है। अब देखो इस साइड में बैक भी आपने करना है, देखो इस साइड में आपने ऐसे करना है, देखो ठीक है, और जेबल जो फालतू होंगे उसको कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो फालतू होंगे ना कंघे के बीच में आएंगे तो भाई इसको ऐसे करो, नीचे करवाएंगे, नीचे करवा के ना जेबल जो चाहिए ठीक है हल्का नीचे रखना।
उसके बाद उल्टा करके जो हल्के हल्के बाल दिख रहे होंगे ना अपने ऐसे क्लियर कर देने हैं। अब देखो अब आगे का इस मेन चीज़ ऊपर वाले हम लोग फिंगर में लेके इसको कैसे काटते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेन होती है, ये देख लेना, हल्का हल्का पानी मार लेना फिर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर वाले बाल एक लेवल में काटेंगे। देखो भाई ऊपर वाले बाल अगर एक लेवल में चाहते भाई हमारे को काटना जल्दी आ जाए तो भाई देखो डरना नहीं है, डर के काम करोगे ना तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। डर को निकालना पड़ेगा, हल्का बंदे को बोलेंगे सीधा करो, मान लो मैंने यहाँ पर काटना है, मैं कट किया इसका लेवल बना लिया, ठीक है। उसके बाद आगे आगे कट किया लेवल बन गया, एक लेवल में हम लोग जाते हैं, ठीक है। आपको खुद ही पता लग जाएगा, देखो मेरे छोटे ना थोड़ा सा आगे आगे दिखा दे, पता लगना चाहिए भाई। देखो कट किया इसको मैंने, यहाँ से मैं फिर उठाऊंगा, ज्यादा खींचना नहीं है बालों को, ठीक है। देखो जीवल जी चीज कितनी बुरी लग रही है भाई, इसको हमने इसके साथ मैच करना है, उसको हम ऐसे करेंगे। देखो जीवल जी चीज होती है ना, अगर टीपर में रखना ऐसे करके, बाहर कंघी को ऐसे कर लेना, ठीक है। जीवल चीज होगी इसको ऐसे कट कर देना, उसके बाद फिर आगे ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बरोबर करना होता है। देखो अब देखो हमारे सारे बरोबर हो चुके हैं इस साइड में, ठीक है। हल्का हल्का हम लोग आगे से करेंगे भाई, आप वहां पर रब भी कर सकते हो जैसे भी आपका कस्टमर बोले, ठीक है। लो जी बस, ठीक है। देखो ऐसे हम लोग ने करना था, ज्यादा कुछ नहीं है, अलग अलग ऐसे हम लोग गुलाई में कर देंगे। आगे कई बंदे कटवाते हैं, गोल करवाते हैं, कई बंदे नहीं करवाते, ठीक है। उसके हिसाब से गाइस रखना, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने हेयर कट करना होता, आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। अब हम लगाएंगे गाइस हल्का का ब्लेड, उसके बाद हमारी कटिंग होगी कट। गाइस जेवल जो गुलाई होगी ना, बड़े ध्यान से देना, देखो अंदर नहीं करना, ठीक है। ना तो ज्यादा ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, ना तो ज्यादा नीचे रखा जाता है, यानी कि मीडियम और यानी कि हिसाब से रखना आपने कहने के, ठीक है। जेवल चीज होगी ना गाइस, उस तरह को हम लोग टेपर में चलाएंगे। अगर गाइस और भी वीडियो देखना चाहते हो तो भाई आई बटन में ऊपर मिल जाएगी इजीली तरीके से। कोई प्रॉब्लम होती होगी भाई आपको शेविंग से लेके स्किन फेड से लेके डार्क फेड लो फेड बहुत जनी तरह के, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी इजीली तरीके का, देख सकते हो, ठीक है आप। उसके बाद जीवल जी चीज आ गाइस, हम लोग ऐसे निकालते इसको, ठीक है। गुलाई किसकी ना, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसको देख लेना भाई, ठीक है, आपकी डाउट निकल जाएगी। देखो भाई, ठीक है, ये वो जो चीज़ होगी ना कान को ऐसे पकड़ के, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे कान को पकड़ेंगे नहीं, देखो मेरा कहाँ पर उस तरह लगेगा, ठीक है। मैं कान को ऐसे पकड़ लूँगा, फोल्ड कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको नीचे खींच लूँगा। ये वो जो चीज़ होगी ना, हम लोग ऐसे उस तरह को लगाएंगे। अब आगे हम लोग पीछे, ठीक है, पीछे क्या करेंगे, ऐसे हम लोगों ने क्लियर करना, ठीक है। अब आगे इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे गाइस सेम चीज करनी है, देखो ये जो हमारे हल्के हल्के बड़े बाल दिख रहे हैं ना भाई, मैं इसको छोटी वाली कंघी लूंगा गाइस, उसके साथ इसको मैच कर दूंगा। देखो ऐसे गाइस हम लोगों ने हेयर कट करना होता है, ठीक है। आपको ना हल्के हल्के बाल दिख रहे होंगे ना, उसको हम लोगों ने क्लियर कैसे करना है, बालों को पहले ना झाड़ लेना है। अगर हम लोग झाड़ेंगे ना, देखो ऊपर हमारे बाल ऐसे चढ़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। झाड़ के उसके बाद लेवल में, एक लेवल में हम लोग कैसे करते हैं, देखो कैंची को हम लोगों ने ऐसे गुलाई में, हाथ को घुमाना है गुलाई में, ठीक है। अब देखो ये वाले फालतू बाल है मेरे, इसको मैं पहले ऐसे साथ में लगाऊंगा, उसके बाद मैं ऊपर उठा के ले जाऊंगा। जब तक मैं ऊपर उठा के लेके नहीं जाऊंगा ना, अगर सीधा लेके जाऊंगा तो भाई मेरा यहाँ पर कट पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले बाल मेरे बड़े हैं तो इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कट लगाऊंगा, ठीक है। जो फालतू दिख रहे होंगे भाई, इसको हम लोग नीचे करवा लेंगे, हल्के हल्के दिख रहे हैं मेरे को, मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। दोनों साइड में आपने ऐसे ही कर देना है, देखो जो हल्के हल्के, अगर आप सफाई चाहते हो, ठीक है। देखो अब इस साइड में भी हम लोग हल्के हल्के झाड़ के एक लेवल में करेंगे, देखो अब देखो इस साइड में भी हल्के हल्के बड़े हैं। छोटी वाली कंघी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो
लो जी गाइस हमारी कटिंग डन हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को पता लगे कि हम सिंपल कटिंग आसान तरीके से कैसे करते हैं। अगर भाई आपको पता लगा तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर और भी कोई वीडियो चाहिए भाई नीचे कमेंट कर देना, उसके रिगार्डिंग वीडियो बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जब तक ले भाई इतने, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।